तो बहुत सारे पंचायत के काम है। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं पंचायत, नाश्ता मास्ता बना कर रख लियो। का नाश्ता बना के रख लियो, हम पंचायत जा रहे हैं। कहाँ तो हम कहाँ तैयार हो भी लगे थे, वो तो मीटिंग में हस्ताक्षर को करे, हमें तो करना पड़े जब से तुम्हारे दस्तखत हम भी तो कर रहे हैं, तो हमें कागज तो पढ़ने है क्यों है का, कब तो कहे पे करे। अच्छा अब तुम्हें हम पे भी विश्वास नहीं है? नहीं है, जब सरपंच जन हम है तो हस्ताक्षर भी हमें करे। बिल्कुल नहीं, जो नहीं होना बिल्कुल नहीं। हमें अबे तक तुम साहब, अबे हम कैसे साल से चला उतार साहबन जी, महिला सीट आ गई जो तुम्हें बना दो, तुम्हारा मतलब जो है कि तुम केवल नाम मात्र का साहबन छो। तो हर बार तो तुम ही बनाता रहे, इस बार हम बन गए तो हमें ही ना देगा। तो अब रोटी को बनाया घर की या तुम घर से बनाया करने लगो, गाँव के होते बूढ़े बुजुर्ग आउ थे, तुम बैठो उनके बीच में अच्छा लगे। हो गई, जब सरपंच जन है तो बैठने भी तो पड़े हमें। अरे वो तो बिल्कुल नहीं बैठने, तुम तो खाना पीना बनाओ वो अच्छा लगाते जो हम चला ले सरपंच जी। खाना पीना तुम बनाओ, काम वो हम देखें। अब तुम भूल गई, जब सरपंच जन नहीं बनी थी तो पहले कंडा पा सकती, भूल गए वो सब, सुबह गए थे ना, रोटी बनाती सब कछु करती। तो अब तो सरपंच जन है, अब हो गई सरपंच, अब गाँव में जाओ तुम सब बूढ़े आदमन के सामने बैठो। सो का हो गई, अब हम जा रहे हैं, तुम अपना नाश्ता बनाओ ठीक है, आके हम खाएं। भगवान है ओ भैया, अब जे दिन आगा मुए बताओ, अब हम नाश्ता बना भी, हम घर को काम कर भी, और जे सरपंच जन बन गई तो अब जे पूरे गाँव में फिर तू सरपंच ही देखे, अब तक हम देखा था तो कछु नहीं है। ओ भगवान, ओ तो सरपंच की का कहिए यार, कहाँ से मेरा चुनाव लावा था, ये इसे सारे तो होते ही नहीं, तो सारे तो ये घर में क्या खा तो रहते, सरपंच को चुनाव जो तो वादा से रोटी बनाऊंगा पड़ रही। कैसे बाहर थे जा, बाहर जा, नमस्ते खाने। का दिन दिखाया महिला सीट ने, का दिन दिखाए झाड़ू झगड़ने पड़ रही, का दिन दिखाई महिला सीट ने, आज जोन हाथ में आज सरपंच की सील होने थी, वो हाथ में आज बारह ले फिर रहे। भारी भगवान, का ओए तीने सरपंच ने देखी या देखी? हमने नहीं देखी भज्जा। कका मैंने एक बात सुनी थी ऐसी है? कि जैसे महिला सीट आते हैं तो फार्म तो महिला को डाय जाते हैं, सरपंचन महिला बन जाते हैं, सरपंच ही तो चलाते उसको घर बो। अब आजकल जैसा जमाना है भैया उसी चलन लगो है। अरे सुन तो सुनी है तेने यहाँ, हमने नहीं सुनी है बेहतर लो। तो कक्कू के तो ऐसा कछु नहीं हो रहा है। वो कैसा हो रहा? ओ तुम भूले अटका बेलो, हमें तो भैया कुगा पे बने रहते हैं। वो झंडा नहीं देखो तो 15 अगस्त को? मैंने नहीं देखो भैया। अपन कितने सोचता है बेलो, कुगा पे है तेमी तो झंडा में नहीं गए थी? मैं नहीं गए, मैं कहा जाने झंडा में। देखो तो सरपंच झंडा में कैसी गई थी? कैसी गई थी ना मूड पे कौन मुन्ना ना कौन कह दो है, वो तो वो मैंने एक बात वो सुनी थी उनके घर की। कैसी? अब जब तुम झंडाई में नहीं जाते तो फिर तुम कितने रात हो? कुगा पे रात के गई मैंने एक दाएं। एक बात वो सुनी थी मैंने, कक्कू को तो मैं कोनो रोल ही नहीं है सरपंच आई में। ठीक हुआ है? अरे सरपंचन को पूरा रोल ही दागा मैं। बताओ कक्कू ये सुना? कक्कू तो ऐसा ही रहता पूरा रोज, सरपंचन कहता था की उनसे कुटी सैमसंग होने तो वे जहाँ मलारा से होने तो मलारा, अगर छतरपुर से होने छतरपुर, अगर तुम्हारे खेत पे कछु काम है तुम्हारी खेत पे अगर लेटरिंग भी बनने हैं अगर तुम्हारी है। तो सरपंचन खुद खड़े होके बनवाए। कक्कू को रोल में कछु नहीं रहा है, कक्कू से तो पिसीनों को वाले और बाल बच्चा हाँ सोच करा ले है। एक तो वह सुनी थी मैंने कि कक्कू खुद झाड़े थे और खुद रोटी बनाओ थे। बता जो वह कह लगे, वो कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है हमारी बात को तो तुम खुद एक दासायन का वावे के बहाने चले जाइयो सरपंचन। चल ले
आओ तो एक दफे आइयो तुम सब तो मैं पतो लाग जी है इस बात को। कल जो तो भैया कहा भैया मिस्त्री जो वह जमान होगा कल जो कहे जो देखा जाओ देखा चलो तुम पहले के जमाने में अगर सह पंचन हो रहे थे तो आपको पति चलाऊ लगा तो कक्कू के जमाने में तो जो वागा के कक्कू बात मान जाओ बताओ ये सौ हो बढ़िया है ऐसे वो तो बढ़िया है वो तो सही है वो का अब जो कछु है सो भी मतलब देख बे चल हम तो ऐसी के एकदा गए थे उठे ठीक है तो भैया वो का अरे यहाँ सह पंचन बहुत बढ़िया है, है? लेकिन भैया एक नौकरी दे गई कहा दे गई जानी गाँव में मच्छर हराने की टंकी पकाई गए 300 रुपया दिन मिले तुम्हें तो तुम तो अकेले गाँव में घुंचाश है दिन उमेश दवाई ढाई जो सही कहूँ सही कहूँ भैया तो मैं जो जगह दवाई लीजिए मैं कहूँ डाए फिर भैया जा है भैया एक बात हुआ तो सुनी थी कैसी बतायो कक्कू घर बात मानिया तुझे हाँ जी तो भाई उदा करा तुम अच्छा के माँ घर को नहीं घर नहीं भैया डाई दवाई जब ताई मां से जगह ले आए हैं टंकी टांगे हैं चलो भैया तो ठीक है अब ये तू इन्होंने सही कहा गए हमें तो पैसा चाहिए हमें कहा लेने से नहीं नहीं सही बात है तुम बताओ नहीं नहीं कोई बात नहीं सही है हमें तो 300 रुपया कैसे गत्ती के तुम तक हैला बैठी हो एक टंकी डाल दिया तुमने ठीक है तो तू इन्होंने सही देगी नौकरी आओ हमारी तो मदद ही उड़ गई हां भैया साहब 10 5 तो सही है जमाना बदल गया मोदी को चलो जमाना सुबह उठाओ तो अटक के लिए अभी तो मतलब सीट ही दे दो भाई पंचायत सही है सही है कक्कू तो बढ़िया कहे को काम कर बेकार है तो 15 साल है तो चला नहीं कक्कू ने अब पहला बेच रहा हूँ सब सरपंच का चुका तो नहीं थी बेकार थे काम अब सरपंच की तो अब सरपंच का काम बोलो आप सब बतान तो बढ़िया है जैसे उन्हें मीटिंग जाने मले या जाने सोने मीटिंग में जाने चुता को जाने सोने मीटिंग में जाने हाँ सही कही भाई कक्कू का काम रोटी बनावे घर आप तो बना कहीं है घर रोटी गोबर डालावे सबका झाड़ू लगाओ रोटी मोटी सब बना दे ऐसी तो सही बात है काम आप बेकार के नहीं कहे जो तो है मतलब हमने अपने बुंदेलखंड में या तो देखो नहीं तो आज तक तो हम तो सुनो आया थे अपने कक्का नो तो देख लो देख लो तुमने अब तो देख लो अब तो भैया मैंने देख लो कि ये तो नए नए जमाने में ये तो होन लगो है होन खा लगो सह पंचन बे बनी बे दस्तखत कहे बे पंचायत में जे बे जीता जे अजे खाओ बीच में जे रहा 15 साल ही नहीं है जे 15 साल बने हैं तो जे काम करते हैं वो तो पंचन सुनाते हैं अपनो काम करते हैं रुको तो वो काम ही नहीं है पंचन आओ चलो ठीक है भैया तुम्हें नहीं है तो विश्वास तुम चल के दिखा दे हमें तो भैया जाने है घर ही जाने भैया हमें तो तो देखे हमारी बहू लगा अब हम का तो लेटिंग ही नहीं बनी है तो अभी भाई जाके तो चल है अब के तुम नहीं बनी बनाई दे दे बनी बनाई नहीं दे बनवाए तो नहीं हमें जाने बनी बनाई दे तो क्या भैया का काम है बताओ काम है तू हमें नहीं रे सुनो काम हो तो हमें बताओ का बताएं हमें तो नहीं से काम है अच्छा काय अबे तक काम हम तुम्हारा का होता है अबे तक तुम्हें जो काम है तो सब तो हमें ने तो करो बताओ इन्हें करो सही है बात अब तुम सरपंच बन जाओ तो तुमसे काम लगे अबे तो सरपंच से काम है ऐ तो उनके काम किए करने हमें ये तो करने घर में की चल हमारी क्यों उनकी सरपंच की कोई तुम न कहता जो गाँव में अरे सरपंच ने जब गाँव भर ने बनाओ तो उन्हें ऐसे क्या बनाओ अच्छा तो मतलब हमारी बिल्कुल नहीं सुनी चाहिए तुम्हारी क्या सुने दस्तखत तो है तुम काम बताओ तुम कहा अंदर बनने को सरपंचन बताओ कहाँ है हमें तो काम कर रहे घर में है तो मैं उसे कोई मतलब हम नहीं से पूछे तो हमें बिल्कुल ना बताओ कहाँ काम है बिल्कुल
लगाई तो हमें थी। कैसे लगाई थी तुम? तो दस का तो नहीं तुमको एसपी एसपी की पाव है तुम जाना। एसपी मतलब सरपंच पति, सरपंच पति क्या सरपंच पति हो सरपंच नहीं बन गए हो तुम। यहाँ बात भाई कह देता है यार सरपंच नहीं बन गए पानी चले तुम्हारी ने तुम्हें हम बता सका था। ते काम ही नहीं बताओ का काम है सरपंच को बुलाओ सो हम बता है। अच्छा ते तना काम तो बता हमें तो है का हम तो मैं नहीं बता। चलो हट के बैठो काम देख रहा हूं सरपंच चलो हटो तू। बताओ भैया तुम्हारा का काम है? बकुटी की सुनी थी बकुटी नहीं आई हमारी कुटी आज है अटकी हुई है कहता हूं आ जाए कछु दिन में। कब लो आज बताओ तो तुम अब कहता हूँ अटकी हुई हम पतो करे तभी तो आप है तो हमें तो संतुष्टि हो जाए तब लोग पतो लगा ले पूरे गांव भर के काम देखने तो हमें ही भाई ले जे खाजा पानी नहीं दो खाजा पानी देते तुम शांत रहो ठीक है कोई पैसा खाजा पानी नहीं लेने नहीं कछु नहीं लेने फिर तुम घर चल गए घर वो तो चले जैसे चले लेकर बोलो सरस पत्नी खाना ठीक है। तो पांच साल खा मेरा साहब बन जाए तो नहीं दो अगली बार फिर जीते गांव के लाने काम का है तो तुम्हें जीत जाने जीते। हाँ भैया तुम बता तुम आपका काम अब हम अब माने मछली पालन को करने तो उनको पता ही नहीं पड़ रहा जगह कागज ले फिर रहे तो अब हमें जगह मगा दिखवा दीजिए अपनी का बन है तो बन जाए तुम्हारी ठीक है। हम कब चला सोते देख भी गिराने तो हम आ रहे हैं और ये जाने तो साहब पंच जाने तो देख नहीं जाओ तुम तो अरे तुम सुनो कक्का ना तक नहीं कहेंगे अब हमने बता दी हाँ। अरे हम चले जाए तो कछु दिक्कत कहे चलेंगे जो तुम एक तो कक्का लगा तू के सामने ने तो उनने कर रही तुम ने कछु कछु नहीं कर रही अब तो का हो गई साहब पंच है तो पूरे गांव में करने के लिए तो हम ने तो तुम नहीं अच्छा करो सहयोग हमारे बिल्कुल नाश्ता पानी बनाओ अच्छा नाश्ता पानी अब 15 साल ही नहीं तुम ले आई आए तो अब हम बने तो हमें भी देखा दो कछु तुमने ले तो लो 15 साल से ले लो हाँ। तो पैसा हम 1 रुपया नहीं ले है चलने में घर में जो चले घर में बिना काम के बिना पूछे दस्तखत करे कहने का नहीं करना काम उन्ने बता जब तो दस्तखत करे कौन जानी दुश्मन भा तो वही पे दस्तखत करे तो क्या चाय बनाता तो पिया ही दे तुम ए गांव का है चाय पिया दे खाए जा पानी चुबन नहीं देनी या कुटी ने खवा लो फ्री में चाय पानी बात चाय तो पिया दो आओ तब मिले बनाओ ता दो का हम भाऊ होता वाहरे हम अभी तो घर शाम के अभी असा पंच बनाना हम अभी तो घर शाम के घर जाके का करो सो चाय पीवे हाँ चाय तो पिए यार लोग पैसा तो जब नहीं देनी है कुटी ने कुवा भी लगे चाय पी लो सो तुम लेकिन पैसा की बात नहीं करोगे कहता भैया तो चलाइया कौन खेत में बनना है बेटा भाई कहीं कुआ बंद गए कुआ पे आओ तो हम आ जा भी ठीक है साहब पंचायत का तो हम आ गई कहा जा पानी की व्यवस्था कर लियो ठीक है। अब बात हम साहब पंचन से सब मिले अब तुमसे कम ले हम बता दी क्यों हम लोग बनाई ठीक है हमसे संपर्क कर लीजिए भैया ठीक है हम बता दे तुम तो है आज्ञो
तो तनक मनक हमारी चलन देंगे ऐसे आदमन में उठा देंगे कोठो कुर्सी पे से बैठो मैं अब तो काम हम करें तो हमें कुर्सी पे ना बैठो तनक मनक इज्जत नहीं दंदे होगा एसपी की तो फिर दूसरी कुर्सी डाल के बैठो करे के हमारे तो बैठे एसपी का आओ सरपंच पति हाओ तो ऊपर तनक इज्जत रखेंगे वो की तनक तुम तो आई वहां से उठो जैसे कलेक्टर तुम ही बन गई अब तो काम करें तो बैठे ना आए तो तनक इज्जत से बोल रही जैसे ही तो बोली थी कि उठ के होते बैठ जा हमें काम हाँ, कर लन दो अपन हां इज्जत से उठ उधर बैठ ऐसी तो नहीं बोली थी हम हाँ। जा गई थी उठो चलो बना खाना पीना बना दूं भीतर आओ आओ तो का दिन हती हमारे चार पांच आदमी तंग पछवा घूमते मोए जे रह गए भैया पू सरपंच बन के रह गए सरपंच आई घर में लेकिन चला भी नहीं मिल रही बिल्कुल पूछ कूट है ही नहीं जा बिल्कुल मुई बहुत ही गलती कही है सरपंच ने बना के अरे भाई साहब राम 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 भैया राम राम कहाँ बुलाया सरपंच ने बोला भैया कहाँ बात है अरे वह मीटिंग है थी अच्छा तो चकटी साहब अब हम जूता पहने आओ तुम कितने जा जूता पहन के अरे हम मीटिंग में नहीं चल रहे कहाँ है मीटिंग अरे तुम्हें नहीं जाना है मीटिंग कहाँ बड़ा मिला है सरपंच ना जाने अरे हाँ वही आया भैया तुम कहते जा है बैठो तो उन्हें बुलाओ सरपंच ना मीटिंग तो हमें हम नहीं जाते भैया ऐसे तुम पहले सरपंच थे तो जाते रहे तो अभी हम एसपी हैं मतलब सरपंच पति अब हम समाज हो सरपंच आई अरे उन्हें जाने सरपंच उन्हें बुला तुम जल्दी जल्दी अरे उन्हें नहीं जाने हमारा जूता पहन तुम बैठो तो तुम कहते जूता पहन के जा रहे सक्षम है अच्छा तो तुम हो तुम्हारी हमने कभी कही उनकी वो है नहीं है सक्षम जो सरपंच है अब तुम्हारी तो ये पढ़ी लिखी है ना समझदार है शिक्षित है गाय को काम करना वो की लाइन रोटी मोटी बना तो फिर आए मीटिंग है एक डेढ़ घंटा की निपटा के आए ठीक है जल्दी बुला दू तना अरे भाई जो आज थोड़ी लगा था हम चल रहे संगे और जूती भाई पहनने मुझे ये मालिक तुम्हें नहीं जाने आए समझा आए कह नहीं समझ में आई तुम यहाँ इतने साल से सरपंच रहे वो कही समझो कछु तो इतने साल से हम जाते हैं मीटिंग का भी आओगे थोड़ी क्या आना है मीटिंग का भी हमें देखो हमें लेट हुआ है तुम बुला दो जल्दी फिर बैठे अपने कहा अच्छा तो नाटक नहीं भाई तो फिर हम अपना अलग पहुंचा जा जाओ तुम अपने चले जाओ अरे अलग कैसे सचे वो सचे वो साहब मंजन है खट्टू जाने जाओ ऐसे कैसे खट्टू जाने जाओ लेट हुआ है जल्दी कहो देखो भाई तुम्हें हम सही बता दें तो जे तो हम क्योंकि हम कहा उठे एसपी सरपंच पति अरे तुम है नहीं एसपी ने भुए फिर रहे सरपंच पति तो हो ना कौन कौन गांव है तो जहाँ तुम सरपंच हमें चलो तो हमें मीटिंग अटेंड करें ठीक है तो मैं ही कहने बुलाते हैं जल्दी बुलाओ समझो अब भी पढ़ी लिखी है जागरूक महिला है तो काहे हम बिल्कुल नहीं पढ़े यार तुम आप देखो तो तुम पढ़े हो मुझे कभी कहीं तुम अंगूठा छापो है बुलाते हैं हम आ जाओ बिल्कुल नहीं चल रही है चूल्हे में हम आगे फूका पकनी से रोटी बनाया रेस्ट हो रहा जो घर को एक तो काम करने आओगे भैया तुम्हें कहा सुना दे जिंदा से कट्टन बन जाए तुम्हारी से तुम्हें पता पाया फिर अरे हाँ ऐसा कहूँ नहीं उन्हें बुलाता है लेट हुआ है तुम्हारी चलो जल्दी खाओ लेट हुआ दिमाग खराब तो फिर बैठ रहे लौट के आए फिर बैठ रहे बुलाओ तो तुम चले जाओ हम तो पहुँचा दे हमें तुम्हारे संग नहीं पहुँचने देते भाई देखो तो तुम भाई वो कहने लगा सचे वो सरपंच ना तुम्हारा का काम होते तो यार हम भी तो एसपी हैं यार तो कज्जा सरपंच पति हैं तो फिर हम भी तो यार फिर तुमने एसपी मुझेड़ो एसपी को कछु काम ही नहीं होते तो यार तुम अकेले चले जाओ हम पहुंचा दे ठीक है अभी तक वो बाकी गांव के जा सुन वो कछु नहीं है अकेले हम और काम हो तो हम अकेले ना चले जाते बाकी गांव के नहीं जात क्या सरपंचन के पति या सब के तो जात तो यार वे योग्य नन्या अशिक्षित महिलाएं बिना पढ़ी लिखी हैं उन्हें कुल वाए फे वे अब ये तुम्हारी पढ़ी लिखी है कोई पंचायत तो भी चला आई तुम्हारा क्यों काम पे सरपंचन बुला तो तै जल्दी कहो बैठ है
कब है शाम के? शाम के यहाँ लौट के ले आओ तो खाओ बैठे रोटी नहीं बनाई थी तो यार हम आज कम से 2000 रुपया खाते हैं तो मैं उसे कछुले ने हम लौट के आए तुम बुलाते हैं आवा लगाओ हम जूता बह के आए तुम जूता जूता तुम इतना ही मिल रहा है तुम कहे टेंशन पकड़ लेते यार बुलाते हैं जल्दी खाओ बुला आए हम जूता बह तुम्हें हम बिल्कुल नहीं जाए तुम बात भाई क्या देता है तुम्हारी एक दूसरी इमेज है गाँव में इतना महिला महिला कहा सब भजन भाई अच्छा भजन भाई अरे हम बिल्कुल भजन नहीं है हम तो भूसा हुआ उतना है पानी में नहीं हमने ऐसी कभी कही एक डालो चला सकती है एक दाल तो तुम कल चली जाओ मिला नहीं देखो हमने एक साल जब से तुम कल चली आओ नहीं को काम होने की मीटिंग रहेगी तुम सुनो बात मानो तुम्हारे गाँव में फैजियो सुझो गाँव में हम कहाँ फैया तो देखे ही को कछु काम आम होने वो कहोने मल थुआ की कुटी करने बस आप उन्हें काट दी आज कभी वो को खेत डाला कोनो काम कर पा खेला वाला को सब कह दो उन्हें यार हम चल रहे आते हैं मन ठीक हो जाए तो मैं कछु नहीं करने तुम बोला भाई दो अबे लौट के आए शाम के अपन दो जने चले गाँव में ठीक है अब हमें खुद नहीं कछु ना एक पैसा की खाया पानी की जुगाड़ होगी ना कछु तुम तो घाय भाई लाओ ना तो हमने घाय बना लो हमसे क्या है जो वो अब तो मैं ऐसी बातें कह अच्छा ऐसी तो कही बोला तुम लगे तुम अभी तो देना आए फैसले लौट के तुम बोलाते हैं जल्दी कहो तुम लेट ना पता लगाया अब अरे हम तो जब से नहीं बैठे आपने लीड कर लो चलो चलो अरे एक मिनट तुम कहाँ जाए मीटिंग में ना जाए हम जाए ना मीटिंग में बुलब है वो दान है तुम करो हम पहले अपना काम देखे अरे जो तुम्हारा काम है तुम वो बिल्कुल नहीं कर रहे काम हमारा बुलब है सरपंच बने हम तो वो करें जूता नहीं पहने मालक तुम बैठो तुम बुलबगा देख रही होता है लेट हुआ चलो चलो अरे दो मिनट रख जूता पहने बैठो जा रहे जब हम जा रहे तो तुम कितने जा रहे अरे तो मीटिंग हम करे यार तुम बिल्कुल मीटिंग हम करे वो काम ही तुम बिल्कुल देखेंगे तो हम करे लेट बोला तुम मन गई सरपंच चलो सरपंच चलो तो चलो हाथ लगा लो भूल कर दिए मैंने सरपंच बना के इसे साड़ी तो कब घर में कब सरपंच होती नहीं तो साजो तू कम से कम रोटी बनी बनाई तो मिलती जे पास सम्मान न पड़ रहा जो झाड़ू लगन न पड़ रही बहुत ही अखा गई भैया घर में सरपंच बहुत ही अखा गई दो पैसा आ रही है में सब मिटो यार कमा लो व्यवहार कमा लो व्यवहार है नहीं खावे ईमानदारी नहीं से खावे खा लो चलो अब गाँव में फैल जाऊंगे हमारे ख्याल से हाल चाल ले काम तो कौन ने कर रहा खावत तो 2000 की जुगाड़ हो जाए राम राम पहुंच जाए राम 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 हाँ भैया जा के आए थे हम ना तो तुम आजकल गांव में दिखा रहे हैं यार ना क्यों मतलब पंचायतन में जा रहे हैं देखो तुम को काम रुको हो को पंचायत से काम हो रहा हो तो वो हमें बताओ तुम्हारा काम हो जाए दो चार ऐसे आखो काम है तो लग जाए तो हो जाए तो लग भी भाई बात नहीं मतलब तुम नहीं दिखा तो जैसे अपन तपन पहले कैसे हिला तुम लत राती अरे अब देखो पंचायत को काम रहा घर में भाले माले रखी तो सब देखने आओ तब ऐसा थोड़ी है के हमने वैसी सुनी थी तुम्हारे भाई में सो हम तो पूछ रहे थे कैसी सुनी थी
क्या मतलब अपनी कछु बखत नहीं रही है जो कछु है तो सरपंचन कहे थे हमने सोची क्या ये। अरे तुम जो उल्टी सीधी बात है पर ध्यान ना दो, देखो कहा है देखो हाँ जी देखो सरपंच सब बानो ही हम तुमसे है मैं अपनी है और अपनी सब कछु है बानो ही हम अपन से उल्टी सीधी बात की है तो के रहते कि जैसे अपन ने सुनी थी अब गाँव के लोग या ऐसी तो कहते ही होते हैं कि सरपंचन को चलाए तो सरपंचन हर जगह साइन कर भी जाते जैसे मीटिंग लगने तो सरपंचन जात तो ई से हमने अरे गाँव गाँव देखो जब हो जाते जब अपन खा टाइम नहीं मिले तो पहुँचा दे बात कोनो बात नहीं है बल्कि बखत अपनी है जो तुम्हारा काम होना तो हमें बताइयो तुम्हारा काम हम ही करे ठीक है तो हम किए दिन सब जगह से हम कह रहे दो ज्यादा से जाओ ठीक है ठीक है आओ तो में लगे कहाँ हमें तो उनने सरपंचन ने बताई थी कि हम वहाँ देख भी गिलाने अब तुम ऐसे तुम्हारा काम हो रहा तुम्हें दुनियादारी ने कहा पहाड़े पड़वे लगे तब सरपंचन ने कही थी हमने वहाँ दस्त का हुआ तो दुनियादारी से मतलब है काम से काम से तो है अब अब तुम कह दो अब सुनो तो फिर हमारी सुनो जैसे जी मेरे कटने में है कोई लखा जाए नहीं आया ना कम से कम डेढ़ लाख को अगर तुम्हारी इधर खदनिया बन रही डेढ़ लाख को खाया जाऊ दो लाख को भी आया तो कह नहीं सका जिसी भी कल टाइम खा जाने थे तुम एक काम करियो 20,000 रुपया घर पहुँचा दीजिए हम सस्ते में कहा अपने पैसा टका इतने तो है नहीं है माने कई अब 20,000 रुपया कहाँ है तुम तो खदनिया बनू नहीं हो खदनिया तो बन नहीं हो कहा अब सरपंचन गत्ती कछु नहीं लगने तो खाते में आमने तो 2.5 लाख रुपया तो आमने तो है तब सरपंचन गत्ती कछु नहीं लगने अब तुम कहे पैसा क्या देख पैसा मैं इतना मना तो लगता ही हो ठीक है तो तुम्हारा काम जो हो जाए हम सब का आवाज ठीक है तो तुम्हें जो कहा उन्हें आओ तो देख ले भी अच्छे से ठीक है तो मैं तो ठीक बैठा जो खेत कहा हमने सुनी थी गई खेत में तुम्हारी बात कछु बाद बाद भी चला तो हाँ तो मान ले मेरे घर जैसे अच्छा माने सो उनको कछु डर नहीं है सब डर नहीं था कोई दिक्कत हो बाद बाद की तो बाद बाद हम तुम्हारा निपटवा दे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा को कछु ना करे खेत में हम बनवा लेकर 20,000 पहुँचा देना ठीक है की ना गई थी क्या जमीन देख रहे आइयो अच्छा हम लोग कछु कावे नहीं का नहीं करवा जमीन हमें देख भी आने थी हमने उनसे कही थी कि नहीं कही थी तो मैं तक आए आए नहीं तो तुमने देख रही कि हमने देख लिया कई बात है ऐसा कैसे एक बात है तो हमें संभाल ने सरपंची तो हम यहाँ आए थे देख अरे ऐसी तुम संभालो तो पूरी सरपंच ही चली जाए तुम्हारा कछु हाथ में नहीं जाने कछु नहीं चलो जा, तुम जाओ घर अपना काम काज देखो ठीक है ये तो तुम्हें जमीन बीच में हमें रोक भी आओ दो पैसा की जुगाड़ हम कर रहे हो तुम वहाँ मिटा दो जो हमने 15 साल में कमाओ है ईमानदारी से करो काम जो करना सो ईमानदारी से नहीं मिले खावे ईमानदारी साल में कमाओ कोई एक चमन नहीं बचने तुम्हें तुम्हें रोटी खा बेते हैं जाए तुम देख लीजिए ठीक है तुम जाओ जमीन हम ही देख रहे हैं हमने देख लिया ये बात नहीं देख ली तुम जाओ अब देख लो चला लो सरपंच चला लो तुम्हें चला लो हम ही चलाए तुम्हें एक एक रोटी खाता है जाने कोई बात नहीं सरपंच बनी बने फिर रहे के हैं बने आओ बने आओ तुम्हें सब बता खाने सब नमस्ते अब भी देख गए हैं वो हम पे करते के पैसा टका 20,000 रुपये चाहने हैं नहीं एक भी रुपया नहीं लगना तुम्हारा जो काम है वो हो जाए ठीक है हमने हस्ताक्षर कर रहे थे हाँ तो काम भी तुम्हारा पूरा हो जाए तुम्हें एक रुपया नहीं देना कोई अब भी करते के इमेज लगने हैं 2 लाख लगने हैं तो 20,000 दे दियो हमें तो तुम्हारा काम काज हो जाए वो मन में गरीब आदमी हो अब भी आते तो करते 20,000 रुपया दो तो तुम्हारी मन बनाए देते हैं तो मैंने कि मैं गई मैं कहाँ से दे दे मैं कहाँ से जो माने इतना सी पटिया है तो कहाँ से मैं पैसा दे दे मैं तो मैं कोनो फिकर नहीं करने तो हमने हस्ताक्षर करे थे तो काम भी तो हम ही करके दे ठीक है तो मैं कोनो से बात नहीं करने ना एक रुपया की रिश्वत देने हम काहे दे है ही नहीं हमारे लगा हाँ तो कोनो से ना हम लेते हैं ना तुमसे लेने हमें ठीक है ईमानदारी से चलने पर उन्हें तो हम घर जाके देखा ठीक है जी जी जयराम जी पहुंचे
थोड़ा नमस्कार भैया रो, कैसा लगो वीडियो बताइयो हमें कमेंट में। और सरपंच को दूसरा भाग भी आने हैं, सो आप लोग तैयार रहियो और ई वीडियो के लिए शेयर करो, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल का अगर नहीं करो है तो। बाकी यही से बोलो। हाँ तो नेहा जी आई हैं टीकमगढ़ से और इन्हें बहुत बढ़िया रोल भी करो है ना जी, तो इनके भी लाने हैं आपका, जरूर लाइक सपोर्ट करने। आपको भी चैनल है एक काय के नाम टीकमगढ़, हाँ नेहा नितिन टीकमगढ़ के नाम से, बढ़िया काम कर रहे थे, आप लोग सपोर्ट करो नेहा नितिन टीकमगढ़। हाँ और एक सीरियस एक्टर भी है। बाकी सरपंचन देखो महिला सरपंच बहुत सारी कहानी है, ऐसी कहानी को उन्हें नहीं बनाई, तो आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने और दूसरे भाग को इंतजार करने। दूसरे भाग में बहुत कछु मसालो है, हाँ बहुत मसालो है। बेल आइकन के लिए भैया घंटी जरूर बजा देंगे। नीलू ढोलक का सपोर्ट कर दे, ठीक है बाकी तो सपोर्ट है। जय राम जी भैया, जय गौड़ बाबा, जय गौड़ बाबा।